हेलो दोस्तों, मैं हूँ आपका होस्ट और दोस्त कुणाल कुमार। बार बार आता रहूंगा, आपके दिलों में जोश जगाता रहूंगा। हेलो हेलो हेलो। हेलो, अरे बाबू बोल भी दो कुछ। अरविंद अरविंद भाई बात कर रहे हैं? हेलो, हाँ, अरविंद पांडे बात कर रहे हैं? अरविंद पांडे बात कर रहे हैं। ये शिल्पा जी से बात करनी थी। क्यों, SBI बैंक से बात कर रहा हूँ। क्या बात करनी है सर? कार्ड का पेमेंट ड्यू चल रहा है ना भाई साहब, बताओ क्या बात करनी है। अभी तो वही पूछना है, कैसे होगा पेमेंट, कब तक होगा जमा, पेमेंट सर? अभी थोड़ा फंड इश्यू, अभी तो जमा नहीं हो पाया। कब से इशू चल रहा है भाई साहब? इश्यू तो यार बहुत लंबा है। अच्छा, बहुत लंबा है। हाँ यार, बहुत लंबा है। कितना लंबा इशू है भाई साहब? इश्यू तो यार एक, ये समझो 2 महीने से चल रहा अच्छा, 2 महीने से चल रहा है। है। हाँ तो पेमेंट तो 8 महीने से होल्ड है। हाँ तो पीछे दूसरा इशू था ना, अभी अच्छा, का मतलब जो इशू। हर महीने इशू चल रहे हैं तुम्हारे, हाँ यार, तो सेटलमेंट करके खत्म करो ना फिर। इसे इशू चल रहे हैं तो तुम्हारे पैसे के बिना हो जाए तो कर लो, है? क्यों, पैसे के बिना सेटलमेंट हो जाए तो कर लो। पैसा आ नहीं रहा तुम्हारे पास? नहीं आ रहा ना, मैं तो जॉब लेस हूँ। अच्छा, और शिल्पा जी? शिल्पा जी काम कर रही है तो घर का खर्चा निकल तो रहा है। हाँ, मतलब शिल्प क्या हुआ, आवाज कैसे है? कट रही है? हेलो, अरे आवाज क्यों कट रही है? हाँ आवाज तो सही आ रही है भाई। आवाज आ रही है, अब बताओ। हाँ हाँ, अगर शिल्पा जी काम कर रहे हैं तो मेले बैठे हुए यार, मैं वेला हूँ तो बात करवाओ ना शिल्पा जी से, फिर सेटलमेंट करके खत्म करो अकाउंट को यार। यार तुम यार बिल्कुल नॉनसेंस हो, तुम्हें थोड़ा सेंस नहीं है। मैं घर पे वेला बैठा हूँ, वो अपने काम पे गई है, कैसे बात करा दूँ? सोचो ना, थोड़ा सेंस लगाओ। लाइन पे ले लो भाई साहब, क्या हो गया, नहीं भाई साहब, सेंस लाइन पे लगाओ क्या? फोन तो है ना, क्या पहले तो भाई सेंस लगाओ इसके अंदर। भाई तमीज से बोलो यार, ऐसा नहीं बोलते हैं यार। ये पहले तो ज्यादा अपनी मजे लेने आ रहे तुझे, एजेंसी बता, एजेंसी कौन सी है तेरी, कहाँ से बोल रहा है, हैं? बाप का नाम क्या है तेरी, एजेंसी का नाम बता। अच्छा, हाँ एजेंसी का नाम बता तू, क्या करेगा एजेंसी का नाम जान के? एजेंसी में आके तुझे थोड़ी खास दवाइयां दूंगा। आ जा NSP, आ जा। NSP आ जाऊँ? हाँ, एक काम कर, एम्प्लॉयमेंट आईडी और भेज दे अपनी। अरे NSP आ जा, सब कुछ मिल जाएगा। आ तो जा, अरे आईडी और देते यार। NSP आ जा। यार नहीं यार, आईडी और देते। क्यों, आने में क्या हो रहा? अब आ तो रहा हूँ, आईडी तो दे दे साथ आ पे। जाना NSP, यार फिर तो नहीं मिला तो? तू आ तो जा पहले, झूठ बोल रहा है, मत मान भाई। पता नहीं तो यार कौन बोल रहा है, फोर्थ पार्टी बात कर रहा है तू? ऐसे इतने इतने प्यार से थोड़ी बात की जाती है कस्टमर से। थोड़ा भाई तेरे से थोड़ा मैं प्यार से बात कर रहा हूँ, तुम उल्टी सीधी बात कर रहे हो। तुम अपनी लैंग्वेज देख रहे हो पहले, क्या बोल रहे हो? वही तो, तुमसे तरीके से बात कर रहा हूँ ना, वही तो मैं कह रहा हूँ, इतने प्यार से थोड़ी बात होती है नहीं कस्टमर से। थोड़ा तुमसे मैं आराम बकचोदी से तरीके से बात कर रहा हूँ, और तुम बेमतलब की बात है इधर उधर की कर रहे हो, जैसे पता नहीं कौन सा करना। एहसान कर रहे हो मेरे ऊपर बात अरे करके। तुम्हें मैं भी तो वही समझा रहा हूँ, इतने प्यार से बात थोड़ी करना होता है, थोड़ा बदतमीजी करना पड़ता है कस्टमर से, तभी तो पैसा बदतमीजी करना दूंगा। पड़ता है। थोड़ा बदतमीजी करो यार, तभी तो पैसा दूंगा मैं। अब तक तो बदतमीजी हुई नहीं होगी ना तुम्हारे साथ, जो अब तक 7 महीने से भरा नहीं गया पैसा, नहीं यार अभी तक है प्यार ना? दिया है, प्यार दिया है लोगों ने। हाँ, तो मैं तुम्हारा काम गया पूछने का, RTP डाल दो, हो गया बस काम तुम्हारा। ठीक अच्छा, RTP नहीं डलेगा तो है, क्या डालेगा यार? क्या होता है RTP का मतलब भाई? DRA किया या ऐसे बैठ गए? नहीं, RTP का मतलब क्या होता है? अरे रेडी टू पे होता अर है, है रेडी टू पे। रेडी टू पे का क्या मतलब होता है? रेडी है ना कस्टमर पेमेंट देने के लिए, हाँ RTP का ये तो मतलब रेडी। होता है ना, तो फिर हाँ पेमेंट अरे करवाना यार भी रेडी टू पे है तो। सुन तो ले अबे यार, रेडी टू पे है तो पेमेंट करवाना भाई तू। 4 महीने बाद रेडी टू पे हूँ मैं। अच्छा, 4 महीने बाद रेडी टू पे है, चार चार महीने मैं तो बाद तू कह रेडी, रहा अभी RTP डाल दो, रेडी टू पे डाल दो। 4 महीने बाद के लिए डाल दो, है 4 महीने बाद के लिए डाल दो। थोड़ी सी नॉलेज लेके बैठ गए तो हरामपंती नजर आ गई तुम्हें, है? बिना DRA करे कैसे बैठ गया यार तू? बिना तूने DRA कहता किया, हूँ थोड़ी सी नॉलेज किसी ने जान भर दिया तो वो हरामपंती खून लग गई तुम्हारे, तू मुझे जो है ना एक बार अपनी इम्प्लॉयमेंट आईडी है दे दे, ना? मैं तुझे बता दूंगा सारी अरे तू कुछ नॉलेज। नहीं कर पाएगा, समझ आई? तू दे दे इम्प्लॉयमेंट आईडी, मैं तू बता कुछ नहीं कर पाएगा, दे तो दे। तू कुछ नहीं कर पाएगा, अरे यार मैं कुछ नहीं समझ करता आ हूँ। गई? ओके ओके समझ आ गई। हाँ, और तुम बता बस यार, ये हरामपंती तुम्हारे मुंह लगी हुई और तुम्हारे बस की कुछ नहीं है। और बता यार फिर क्या करूंगा? हेलो, हाँ हेलो, हेलो, राजकुमार ठाकुर जी, बताइए बताइए। सर, इंडसइंड बैंक की आपसे बात कर रही हूँ। बताइए फिर क्या करूँ? पेमेंट करो सर कार्ड की। मैडम आपका नाम तो बता दो।
आप मेरे नाम से क्या करोगे सर? मैडम आपके नाम से आपसे शादी करूंगा। सर पेमेंट का बताइए, पेमेंट करोगी शादी? सर आप जैसे कर्जदारों के साथ कौन शादी करेगा? तो मतलब शादी मत करने एक रात बता लेना। बताओगी मैडम एक रात? हेलो, हाँ हाँ जी सर बताइए। मैं ये कह रहा हूँ ये जो लड़की थी यार इससे बात कराओ तुमसे बात। नहीं नहीं आप मेरे को बताओ ना क्या हो गया। तो नाम क्या है तुम्हारा? मेरा अमित। अमित नाम है? अरे यार तुमने नाम ही ऐसा बोल दिया, तुमसे तो कुछ फालतू बोल ही नहीं पाएंगे। ऐसा क्या हो गया बताओ तो सही। अमित अमित नाम के मेरे बहुत ही करीबी थे, बहुत ही अच्छे बंदे थे। बताओ क्या परेशानी है तुम्हारी? सर ये कार्ड की यार पेमेंट नहीं आया, आपकी दो महीने की स्टेटमेंट है। देखो सर इसका तो देखो सर पेमेंट हो नहीं पाएगा, दो चार दिन में भी नहीं हो पाएगा सर। इसका दो महीने में होगा कम से कम, क्योंकि अभी फंड इश्यू चल रहा है। तो फिर मैं देखो एक ही एडवाइस दूंगा, फिर वो दो महीने बाद भी मत करना। क्यों सर? नहीं नहीं क्यों, क्योंकि ये अगर आपकी ड्यू डेट के बाद अगर पेमेंट भी करोगे ना तो कोई बेनिफिट नहीं है। देखो एनपीए चला जाएगा, डिफॉल्टर हो जाएगा, पैन नंबर और आधार नंबर आपका ना अकाउंट होल्ड हो जाएगा सारा का सारा। तो सर आपने मुझे बहुत अच्छी राय दी है, मतलब कार्ड ब्लॉक है। अच्छा सर आपने मुझे बहुत अच्छी राय दी, तो इसको राइट ऑफ के बाद सेटलमेंट करा लूं? राइट ऑफ के बाद कराओगे क्या फायदा होगा बताओ? सेटलमेंट करा लूं में हो जाएगा, सेटलमेंट करा लूं। राइट ऑफ में सेटलमेंट करा लोगे अच्छी बात है, हो जाएगा, मना नहीं कर रहा हूँ, लेकिन कोई फायदा क्या होगा एक बार बताओ? सर फायदा क्या होगा, कॉल नहीं आएंगे और क्या? कॉल तो देखो जब तक आएंगे जब तक आपका पैसा नहीं आएगा। हाँ तो सेटलमेंट में पैसे चले जाएगा और सेटलमेंट लेटर आ जाएगा खत्म के। तो फिर नहीं नहीं आप वो समझ नहीं रहे हो, कॉल देखो जब तक कॉल आएंगी जब तक आप पेमेंट नहीं करोगे। हाँ तो अभी पैसे नहीं है ना? नहीं नहीं अब अभी सुनो, अभी तो फोन पे बात हो रही है, अगले महीने आपको कोई ना कोई कहीं ना कहीं से ढूंढ लेगा, वहाँ आएगा। अच्छा फील्ड विजिट करने आएगा? हाँ फील्ड विजिट। अच्छा तो सर फील्ड विजिट करने अगर आता है तो मैं तो उसका ऑथराइजेशन लेटर विथ एम्प्लॉयमेंट आईडी मांग लूंगा, अगर नहीं दे पाया तो फिर वो तो मैं अभी दे दूंगा आपको। बताओ। अच्छा सर तो आप आओगे यहाँ पे? चलो लेके आओगे। उसके बाद अगर मैं कह दूँ आपको मेरे पास पैसे नहीं, फिर क्या करोगे? कोई बात नहीं, आप सिंपल एक जवाब मिल जाएगा ना, पैसे नहीं है, उसके बाद हमारा काम है। हम आपका तो बैंक अकाउंट नंबर होल्ड करेंगे, किसी अकाउंट में तो चले रहा होगा, किसी में तो खुलवाई रखा होगा अकाउंट आपने। अच्छा सर और अगर नहीं खुल रहा है बैंक तो? बिना अकाउंट के तो कोई रह ही नहीं सकता सर, और बिना अकाउंट के तो कार्ड मिल ही नहीं सकता पहली बात। तो फिर लड़ाई वड़ाई तो नहीं करोगे यहाँ पे आके? अरे सर लड़ाई वड़ाई क्यों कर लेंगे यार हम। अच्छा सर करेंगे यार हम। अच्छा नहीं सर मैंने सुना है रिकवरी वाले आते हैं ना, फील्ड एग्जीक्यूटिव जब आते हैं तो लड़ाई वगैरह करते हैं, गाली गलौज करते हैं, मोहल्ले में चिल्लाते हैं। नहीं नहीं वो मोहल्ले में चिल्लाएंगे नहीं, वो एक दो घर से पूछ लेंगे अभी किस हिसाब का बंदा है, फर्जी तो नहीं है, किराए पे रहता है, आस पड़ोस में लड़ता उड़ता है, वो तो इंक्वायरी करते हैं भाई, कोई लड़ने थोड़ी आता है यार। नहीं सर वो अभी 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 पीछे ना मेरा एक मित्र था, उसके घर पे गए और उसके घर पे जाने के बाद पता क्या बोला उन्होंने? उसके घर के जो आजू बाजू के चार पाँच छह सात घर थे ना, वहाँ पे पहले तो जोर जोर से चिल्ला रहे थे, उसके बाद उन घरों पर मतलब जो पड़ोसी थे उनसे जाकर कह रहे हैं कि ये डिफॉल्टर है, चोर है, सीधे ये जाकर कहा उन्होंने। एक आध बंदा निकल जाता जो गली में जाके हंगामा करता है, ये कस्टमर चोर है, ये फर्जी है, चूतिया है, इस टाइप का। तो सर आप एक बात बताओ सर, ये तो इन्हें परमिशन है नहीं, तो ये ऐसा करते क्यों है? नहीं नहीं सर वो भी मैं कह रहा हूँ ना, अभी तो आप फोन पे बात हो रही है, अब आप कह रहे हो ना राइट ऑफ में, तो राइट ऑफ से पहले तो सारी कहानी हो जाएगी, गेम ही हो जाएगा सारा। तो सर वही तो मैं आपसे ये पूछना चाहता हूँ कि लीगली तो इन्हें परमिशन है नहीं, तो ये ऐसा करते क्यों है? ये तो इनलीगल है। सब परमिशन हो जाती है सर, सब हो जाती है सर। आरबीआई तो कभी नहीं कहता ऐसा करने को। आरबीआई ये भी कहता है कि कार्ड का पैसा यूज करके पैसा देना सर। पैसा नहीं है तो कहाँ से दे दूँ? अरे सर मैं आपको एक एग्जांपल देता हूँ। सर आपने एग्जांपल दे दिया, ठीक है सर। अब मैंने आदमी होता है ना, करोड़पति आदमी होता है, एक लाख रुपए का भी कार्ड अगर वो यूज करता है ना, तो उसको जब बैंक को देने की बारी आती है तो उसके भी ना पिछवाड़े में पानी निकलना चालू हो जाता है, क्योंकि देना है, लेना होता है तो प्यार का मांगता है। आप सर फोर्थ देना होता है, आप जो है ना सर फोर्थ पार्टी से बात कर रहे हो, आपकी इस वाली बात से पता चल गया, लेकिन आप अच्छे से बात कर रहे हो। सर मैं देखो गाली गलौज दे के फायदा क्या मिलेगा? वो वाली बात है, आप इधर से दोगे मैं इधर से दूंगा, मैं अपना बीपी बढ़ा लूंगा, फायदा क्या है? सही कह रहे हो। नहीं यानी पेमेंट दो चार दिन बाद तक अगर नहीं आएगी तो बैंक अपना काम कर ही लेगा सर, पैसा तो कहीं नहीं जाएगा।
हाँ पैसा तो फिर कहीं नहीं जाएगा, तो आप समझदार हो। पैसा तो कहीं नहीं जाएगा, पैसा तो मिलना ही मिलना है, परेशान आप हो गए आपके फैमिली वाले होंगे। अच्छा सर। हाँ आप बोलोगे अभी तो मैं अभी अगर आप बोलोगे तो मैं भी आपके रिश्तेदारों के नंबर निकालता हूँ, बोलो पैन नंबर आधार नंबर निकाल के अकाउंट होल्ड करवाता हूँ। सर आप करवाना चाहो तो करवा लो, लेकिन सारी दिक्कत वही आती है सर, पैसे नहीं। वही दिक्कत है ना। अभी एड्रेस पे अवेलेबल हो नहीं हो? अभी सर एड्रेस पे अवेलेबल नहीं हूँ मैं। हाँ तो वो कोई बात नहीं, नया एड्रेस हम ढूंढी लेंगे। ठीक है सर। हाँ इनकी लोकेशन निकालना है एक बार और पैन नंबर आधार नंबर। और बताओ सर। ठीक है सर मैं कराता हूँ काम। ठीक है सर। अरे सर ये बताओ सब बढ़िया? हेलो हेलो गुड आफ्टरनून सर, अनु बात कर रही हूँ एक्सियो से। वेरी वेरी गुड आफ्टरनून, बताइए। ये कृष्णकांत जी से बात हो रही है मेरी? हाँ अनु जी बताइए, कृष्णकांत जी से बात हो रही सर जी। आपका एक एक्सियो से एक लोन चला था सर अमेजोन पे लेटर का, जिसका बिल आपका 10,734 रुपीज का। हाँ जी सर 5 तारीख की ड्यू डेट थी, पेमेंट नहीं अभी तक, क्या इशू आ रहा सर पेमेंट में? अनुजी इशू ये आ रहा है, थोड़ा जरा फाइनेंशियल कंडीशन डाउन है, फंड इशू है, थोड़ा फाइनेंशियल कंडीशन डाउन है, फंड इशू है सर। मैं अपडेट कर रही हूँ, लेकिन सर ये कब तक पेमेंट हो जाएगा सर? अनुजी मेरे ठीक हो चुका है, मेरे हिसाब से अगर आप मानेंगे तो 2 से 3 महीने लग जाएगा, क्योंकि इस समय तो अनुजी बहुत ही ज्यादा कंडीशन मेरी डाउन है, इस समय तो मैं दे ही नहीं सकता किसी भी कंडीशन में। लास्ट मंथ भी आपने 3 तारीख तक ये बोला था कि आप पेमेंट नहीं कर पाएंगे 6 महीने तक। अनुजी मैं वही तो बता रहा हूँ आपको, ये कंडीशन है सारी। और फिर भी आपने 30 तक पेमेंट करा दी थी सर अरेंज करके। अनुजी क्या ही कर सकता हूँ, आप मैं देखता हूँ, कोशिश करता हूँ अपनी तरफ से। जी सर, तो जैसे पिछले मंथ कोशिश किया था वैसे इस बार भी करके देख लीजिए। ठीक है अनुजी, कोशिश करते हैं जी। ओके और बताइए अनुजी, सब बढ़िया अनुजी? आप बताइए सर। मैं तो अनुजी बहुत बढ़िया हूँ, आप बताइए सब बढ़िया? वैसे सर आपका अगर आप ये कह रहे हो कि काफी टाइम से ये इशू आ रहा है। हाँ तो मतलब रीजन क्या है, जॉब इशू है या मतलब बिजनेस डाउन है क्या? अनुजी अभी तो जॉब है नहीं, जॉब लेस हो गया मैं। अच्छा मेन प्रॉब्लम। और फिर पीछे अनुजी जो मेरे पर रुपया था ना, वो मैंने कहीं हेल्थ इशू था किसी रिलेटिव का, वहाँ पर दे दिया। वैसे आप अनुजी बहुत अच्छे से बात कर रहे हो, वरना बहुत से जो रिकवरी एजेंट है ना वो बदतमीजी करते हैं, उल्टा सीधा बोलते हैं। सॉरी सर अगर इस तरीके का बिहेव हुआ होगा आपके साथ ना। नाइस वॉइस अनुजी। ओके थैंक यू फॉर चूजिंग एक्सेस, मैं अपडेट कर देती हूँ। दोस्तों आइए साथ मिलकर अपने अधिकारों की लड़ाई लड़ते हैं। ये जो रिकवरी एजेंसियां हैं, रिकवरी एजेंट हैं, या फिर यूं कहूं कि बैंक और एनबीएफसी हैं, जो हमारे अधिकारों को कुचलकर रिकवरी करते हैं, इनसे अपने अधिकार छीनते हैं, लड़ते हैं, अपने अधिकार मांगते हैं। मेरे द्वारा दी गई जानकारी अच्छी लगती हो तो वीडियो लाइक करें, शेयर करें, अगर आप मेरे चैनल पर नए हैं तो चैनल सब्सक्राइब करें। जय हिंद दोस्तों।